नमस्कार, हाजिर है सीधी बात के कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ एक नया शख्स है। ये बरसात वो है जिसको कहते हैं चुनाव, और निकल कर वो सामने आ रहे हैं इस बरसात में। वो आपसे कह रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा भीगे, यानी सबसे बड़े समाजसेवी। लेकिन इसके पीछे का सच अगर जानने की अगर हम चेष्टा जाहिर करें और इसको जानने की अगर तहकीकात करें, कहीं ना कहीं सच गवाह नजर आता। समाज सेवी तो एक भरोसा नजर आता है और वास्तविकता कुछ और। कहीं ना कहीं समाज सेवा के रास्ते से निकल कर बनना चाहते हैं पद के साथ एक प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये उनका सपना होता है। समाज सेवा के प्रति सहारा सत्ता पर इन्हीं सारी बातों को अब तक हमने आपके सामने रखा और इस बार भी रखते हैं। हम पहुंच गए हैं हरदीन नगर वार्ड। एक मयंक त्रिवेदी है निर्दलीय, अभी मालूम तो पड़ रहा है कि निर्दलीय, लेकिन भविष्य में क्या बदल जाए, क्योंकि अभी हाल ही में कई लोग एक दल से छोड़कर दूसरे दल, दूसरे दल से तीसरे दल और निर्दलीय से दली होने लगते हैं कई लोग। ये भी हो जाए पता नहीं, लेकिन वर्तमान स्थिति में निर्दलीय अभी कोई दल सामने नहीं है। और मयंक त्रिवेदी बतौर एक शिक्षक काफी वर्षों से गणित के विशेषज्ञ के रूप में कार्य करते करते यहाँ तक का सफर तय किया। मैं क्लासेस के रूप में उसने काम किया और कई छात्र छात्राओं को शिक्षित किया। लेकिन अब राजनीति क्यों पकड़ी, समाज सेवा क्यों भागी, और ये समाज सेवा की घोषणा है सच या घोषणा, इन सब बातों से हम अवगत कराएंगे आपको थोड़ी देर में। मयंक त्रिवेदी नमस्कार, हाजिर हैं सीधी बात के कार्यक्रम में। ये वही कार्यक्रम जो आपको सच से लगभग लगभग रूबरू करा ही देता है और उस व्यक्ति की सच्चाई लगभग लगभग सामने ला ही देता है जो झूठ बोलकर राजनीति में उतरते हैं और कुछ करते भी। हमारे साथ उपस्थित हैं आज हरदीन नगर वार्ड से संभावित प्रत्याशी मयंक त्रिवेदी। संभावित इसलिए कि अभी पर्चा दाखिल नहीं हुआ, जब होगा तो देखेंगे, समय आने दीजिए। हम उपस्थित वही हैं जहां इनका क्लासेस चलता है, वहीं बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं उनसे, मयंक जी से पता करते हैं इनकी राजनीतिक यात्रा की पूरी सच्चाई। मयंक जी नमस्कार। राजनीति में उतरना आजकल तो बड़ा 200 रुपए की होर्डिंग समाज सेवा बन जाता है, नीचे लिखा दिया समाज सेवा, बन गया समाज सेवा। सच्चाई जरा ये बता दीजिए कि आखिर राजनीति में उतरने के पीछे का उद्देश्य क्या था आपका? पद, प्रतिष्ठा, लोभ, लालच, मंच माला या कुछ और, राजनीति में आए क्यों? तो पहले तो आपकी इस बात को उत्तर दे दें, अगर आपने मेरी होर्डिंग पे गौर किया हो तो उसका स्लोगन यह है कि शिक्षा क्षेत्र के साथ ही सामाजिक सेवा भावना के साथ, ठीक है, तो शिक्षा क्षेत्र के साथ सामाजिक सेवा भावना के साथ, ठीक। और राजनीति शब्द ही गड़बड़ है जहां तक मैं समझता हूँ, ठीक, लेकिन तो गड़बड़ नहीं है, निर्माण करने वालों ने शब्द का निर्माण ठीक उद्देश्य किया था, आप उस पर चलने वाले लोगों ने मौजूदा परिपाटी को देखते हुए उस राजनीति शब्द की बड़ी गलत व्याख्या कर दी गई। जैसे राजनीति में पदार्पण का मेन उद्देश्य, मैं समझता हूं कि 99% पब्लिक का मेन उद्देश्य धनार्जन होता है, और जो लोग मुझे व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, आप इसका मतलब 99% में नहीं मतलब वही हो गया, यस, मैं ये अपने आप को लगभग सब दूध का धुला कहते हैं, लेकिन मुझको, मैंने क्या कहा, मुझको जो व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं शायद मेरे बारे में उनकी परिभाषा भी यही होगी, ठीक। और राजनीति मतलब 99% में आप हैं? मैं 99% में नहीं हूँ, नहीं, यही धनार्जन उद्देश्य नहीं है मेरा, मेरा कहने मतलब कि मेरा पसंद धनार्जन उद्देश्य नहीं। राजनीति में पदार्पण का सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा है, हालांकि इन बातों को कहने से कोई मतलब नहीं है, ये अगर ऊपर वाला आशीर्वाद देगा। आप समाज सेवा के लिए राजनीति में आए? समाज सेवा में राजनीति के लिए आया हूं। नाजारा ने कोई चुनाव नहीं लड़ा, समाज सेवा में है, पूरे देश में बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत करते हैं पूरे देश के लोग, और हम जैसे लोग भी इज्जत करते हैं, जब हर आदमी उनको समाज सेवा के क्षेत्र में इज्जत करता है, कोई चुनाव लड़ा, तो आप क्यों सोच रहे हैं? आपके काम करने का तरीका क्या, पद पद प्राप्त करने के बाद समाज सेवा करना? कई समाज सेवा ऐसी होती है जो बगैर पद गए, वरना आप अन्ना हजारे जी बहुत आदरणीय है, लेकिन एक बता दीजिए कोई देश का 2000 के बाद में, सन 2000 के बाद राष्ट्रीय स्तर को छोड़कर थोड़ा निचले स्तर पर आ जाइए, एक नेता जिसने पद पर गया हो और वो बड़ा परिवर्तन करके दिखाया, एक बता दीजिए। एग्जाम्पल हम ही लोग प्रस्तुत करेंगे, मतलब अभी तो कोई एग्जाम्पल नहीं है आपके पास? मैंने क्या कहा, आपने नहीं, भाई ऐसा नहीं कि राजनीति सभी लोग गंदे हैं, मैंने क्या कहा कि समाज सेवा राजनीति का मेन उद्देश्य, लेकिन आज की तारीख में राजनीति की परिभाषा कुछ और बन गई है, उस परिभाषा को ही बदलने निकला हूं। अभी तक कोई नजर में आया नहीं ना, आप तो कह रहे हैं ना पद सेवा समाज सेवा करने का तरीका अलग अलग होता है, आप चुनाव के साथ समाज सेवा करना चाहते हैं, पद के साथ करना चाहते हैं, कुछ बिना पद किए हैं,
अब आप मुझे एक उदाहरण बता ही दीजिए जिसने पद के साथ आमूलचूल परिवर्तन किया, एक आपके साथ। सोचने पर मजबूर हो गए मैन जी, सोचने पर। तो आप ये बता दीजिए बात कहां से हजम होगी कि आप चार महीने में राजनीति में आए हैं, पद चाहिए आपको समाज सेवा करने के लिए, ढकोसला तो नहीं कर रहे हैं आप। इस बात का मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल तो सेट किया जा सकता है, और क्या हम कैसे कहते हैं। आप 99% में तो आपने बता दिया सब है, 1% में आप हैं, यानी आप दूध के धुले हो गए, बाकी सब बेकार। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, नहीं मैं ये नहीं कहा मैं दूध का धुला हूं। फिर आपने जो है वैसी ऐसे कई एग्जाम्पल ऐसा नहीं कहा, सभी गलत है। कुछ तो आ नहीं रहा है, आप कई एग्जाम्पल कहां से ले आए। चौधरी चरण सिंह हो गए, आप उनको देख लीजिए। पंडित की पिताजी राष्ट्रीय लोकदल में है, पूरा प्रस्तुत कर 2000 की बात की पूछ रहा हूँ, आप 2000 के पहले ही बता रहे हैं, तो शायद मैं उन्हीं 2000 के पहले का ही व्यक्ति धारा वही है, आप ऐसा समझ सकते हैं। 30 साल आपकी उम्र है, राजनीति शुरू हुई है आपकी अभी, अभी आपकी शुरू हुई है, तो 2000 पहले कहाँ हुए, राजनीति अभी शुरू हुई। आदर्श किसी को भी बनाया जा सकता, कोई जरूरी नहीं है कि 2000 के बाद व्यक्ति आदर्श बनाया जा सके। 2000 के बाद कोई नहीं, 2000 के बाद का सोचना पड़ेगा, शायद मुझको तो नहीं लगता है कि कोई ऐसा है जोड़ देना पड़ेगा। इसका मतलब बड़ा गड़बड़ रहता है। अब आपके पास यदि पद आ जाए तो परिवर्तन होगा, ऐसा हम लोग माने कैसे। पहली बात, नंबर दो, समाज सेवा पद से होती है, अगर होती तो उत्तर प्रदेश की सड़कों के गड्ढे भर चुके होते, उत्तर प्रदेश में जल की निकासी और जल का प्रवाह ठीक हो जाता, बिजली घर घर पहुंच जाती, व्यवस्थाएं ठीक होती, कानून व्यवस्था दुबर ना होती, आज उन लोगों पर जिन पर अंकुश लगा है वो आज खुलेआम ना घूमते। कहां पद है, इतनी सारी सरकारें बदली हुई, सब यही बोलते हैं पद आने दो परिवर्तन कर देंगे, एक भी एक और आए हैं केंद्र में, पद आने दो कर देंगे, कहां हुआ कुछ। आप तो कह रहे हैं पद आने के, सचिन जी इसी परिभाषा को तो बदलना है, मतलब कि या तो उसी परिपाटी में आप ही बदलेंगे, ये कैसे माने। मैंने क्या कहा, या तो उसी परिपाटी में चलते रहे, या तो उसी परिपाटी में चलते रहो, समाज और देश को ऐसे ही जो है विनाश के कगार पर जाते रहे। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लोग दूषित हैं, लेकिन शायद जो करना चाहते हैं उनमें इच्छा शक्ति की कमी। 99% बहुत बड़ा परसेंट होता है देश स्तर के जी, मैं मानता हूं इस बात को। मैंने 99% नेताओं की बात की है, 1% भी, और यह हकीकत है कि 1% जो लोग हैं जो इच्छा शक्ति के बदलाव राजनीति में है। दूसरा प्रश्न बदल रहा है थोड़ा सा, आप शिक्षक हैं और जिस तरह से शिक्षक के रूप में आप काम कर रहे थे उसमें जो आपकी आज तक की छवि बनी है लगभग उसी से बनी, ठीक। आप गणित के माहिर शिक्षक थे, आपका नाम शुमार इज्जत शोहरत तब आपको इससे मिली, आप राजनीति में उतर गया, शिक्षक की इज्जत से पेट नहीं भरा था क्या, राजनीति में क्यों आया शिक्षक की। मैं आपका प्रश्न समझा नहीं, शिक्षक की इज्जत से स्वाभिमान से लगातार उससे पेट आपका भरा नहीं कि आप सोचे कि राजनीति में जाए वहां पर कुछ मिले। मेरा प्रश्न दो प्रकार का है, ये इसमें इस पर भी मैं आगे आऊंगा, लेकिन राजनीति में उतरने के प्रश्न आपका गलत है। देखिए प्रश्न गलत है और शब्दों का चयन पेट भरे वचन भी है, क्योंकि आप भी इस बात को थोड़े देर तक समझिए कि आप नेता के सामने नहीं, आप एक शिक्षक के सामने बैठे हैं, ठीक है। और मैं आऊंगा उस पर, मैं आऊंगा उस पर, मैं आऊंगा तो बहुत समझ। आपको बता दें मयंक जी, आज के समय में हरियाणा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जो बच्चा छोटा सा बच्चा, आज जो शिक्षक का क्षेत्र है और जो शिक्षा देने का क्षेत्र है उसको व्यापार बनाकर रख दिया है पूरे देश में, बिल्कुल, और बड़े स्तर पर है। अगर खगाला जाए तो हम ये कैसे माने और ये कैसे स्वीकार करें। मैं सीधे आपसे उगलवाना चाहता हूं ये बात, जरा आप बता दीजिए कि आप परिपक्व शिक्षक हैं, चलो इस पे आ जाते हैं हम, आपने कहा वो गलत मैंने, आप परिपक्व शिक्षक हैं, आप सामाजिक परिवर्तन करने वाले शिक्षक हैं, ये कैसे माने जरा बता दीजिए। का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि शायद 2004 से जो लोग मुझे जानते हैं, 2004 से मैं राजाजीपुरम जाओ मेरा मेन कार्य क्षेत्र है, वहां पर मैं किसी भी विद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ। तमाम ऑफर आने की मेन वजह क्या है, एक समाज में जो चीज चल रही, जो महंगी शिक्षा, एक बहुत बड़ा उद्देश्य है मेरा महंगी शिक्षा पे काबू लगाना, हालांकि बहुत क्षेत्र उतना नहीं, मैं मानता हूं इस चीज को, किसी कॉलेज में कार्यरत नहीं हूं। उसका मेन वजह यह है कि एक परिपाटी अच्छे शहरों में कि स्कूल का टीचर शाम घर पे कोचिंग पढ़ाता है, प्रतिष्ठित स्कूल में 10,000 रुपए फीस देके उसके बाद 15-15, 20-20 हजार रुपए गार्जियन कोचिंग लगाता है मेरे बावजूद। तो आप देख रहे हैं ना शिक्षक, शिक्षा और शिक्षक का क्या हाल है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं 2004 से यहां पर राजीपुरम के किसी भी विद्यालय में कार्यरत नहीं हूं और मेरी संस्था में कोई भी टीचर
किसी भी विद्यालय में कार्यरत नहीं है, सिर्फ इस कि हमारी जो भी मेहनत है मेरी अपने दम पे, मैं भी चाहूं तो किसी में अटैच करके जो स्ट्रेंथ उसको चार गुनी कर सकता हूं। इस परिक्षेत्र में शायद एजुकेशन क्षेत्र से ऐसा जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मयंक त्रिवेदी मैथमेटिक्स से टीचर है ना जानता हूं, और हर प्रतिष्ठित कॉलेज के लिए मेरे पास ऑफर है, मैं मना कर देता हूं। ठीक है, ये कहीं ना कहीं विचारधारा की बात है कि मैं अपनी मेहनत मतलब आप भरोसा करता हूं। कहीं पेट भराव शिक्षक नहीं बनना चाहते, पेट भराव शिक्षक नहीं बनना, नहीं आप परिवर्तन करना, मैं परिवर्तन करना चाहता, मैं आ गया उस बात पर। मुझे लगता है वो लाइन जो मेरी थी उस बात पर, वो जो अंदर की बात थी आम आदमी की लगभग यही थी, कारण यह कि जो चल रहा है जी। दूसरा, आपने ये जो कहा कि शिक्षक से पेट नहीं भरा था, आप राजनीति में आ गए, राजनीति में भैया कोई लोभ नहीं होता है, समाज सेवा में लोभ किस चीज का, ऐसे मांग ले समझा दीजिए क्यों आपके लोभ नहीं। आप अगर पद ना मांगते मानते लोभ नहीं, आप अगर पार्षद पद के लिए बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से लोभ है। ठीक है, परिभाषा समझिए, राजनीति में जहां तक मैं समझता हूँ दो चीजें होती है, ठीक, बल्कि हम तीन चीजें कहते ज्यादा बेहतर है, पैसा, इज्जत और कॉन्टेक्ट, जो आदमी के कॉन्टेक्ट बढ़ता है संपर्क। और शायद जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है तीनों मेरे पास है, ये कहूंगा मेरे पास बहुत पैसा है लेकिन इतना पैसा मैं अपनी आजीविका चला सकता हूँ। ठीक, जीविका मैं अपनी चला सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या कहा, दूसरा चीज क्या होती है, इज्जत और नाम। जिस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ नाम भी है इज्जत भी है। ठीक, लखनऊ में मयंक क्लासेस तीन तीन जगह सेंटर है, यहां पर है, गोमती नगर में है, राजेंद्र नगर में है। ठीक, शायद मैक्सिमम आदमी जानता है कि मयंक क्लासेस नाम की कोई संस्था है और मयंक त्रिवेदी चलाते हैं उसको, खुद मैथ्स के टीचर हैं। तीसरा, कॉन्टेक्ट्स की बात रही, कॉन्टेक्ट्स एक शिक्षक के कॉन्टेक्ट्स ऑटोमेटिकली बहुत होते हैं, शिक्षक ही नेता भी बनाता है, शिक्षक ही अभिनेता भी बनाता है, शिक्षक ही डॉक्टर भी बनाता है, यानी एक सृष्टि के निर्माण में जितना बड़ा योगदान शिक्षक का होता है मैं नहीं समझ सकता हूं कि समाज में किसी और व्यक्ति का हो सकता हो। अभी कुछ दिन पहले जब ये बहुत चला था कि जितने प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं उनकी मनमानी बहुत हो रही है, बीच में देखा होगा जब एडमिशन चल रहा बहुत चल रहा था, उस समय एक विद्वान ने एक बात कही थी कि वर्तमान समय में जो भारत का शिक्षक है और शिक्षा देने का जो देने वाली संस्थाएं हैं उनके काम करने का तरीका गुंडों के तरीके का। गुंडा समझ रहे, बड़ा शब्द है ये, और ये बड़े स्तर पर छपा था और बड़े स्तर पर चर्चा हुई। अब आप बताइए ऐसी जब अगर दशा होगी पूरे देश में माहौल होगा, ये शिक्षा की गलती नहीं है सचिन जी, ये शिक्षा व्यवस्था की गलती है जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं। आज क्या वजह है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई का स्तर गिर चुका है, बहुत पहले आपको ध्यान होगा कि कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जितने भी आईएएस मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे। गलती शिक्षक की नहीं है, गलती शिक्षण व्यवस्था की है जो सरकारी महकमे के द्वारा चलाई जा सकती है। आपको लगता नहीं, आप शिक्षक पे उंगली नहीं उठा सकते, आपको लगता नहीं कि एक बड़े आंदोलन को रुख लेना चाहिए और इसको ठीक करना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। मैंने क्या कहा कि कई चीजें ऐसी हैं जो पद के साथ ही हो सकती हैं, ऐसे हम नहीं कहीं लड़ सकते हैं, आप समझते हैं। एक अमूमन आदमी का विचार, हमारा तुमसे क्या मतलब है, टीचर हो वहां घर जाके बैठो, पब्लिक का साथ चाहिए और सभासद के अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित होते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर पब्लिक को लीड करने वाला कोई व्यक्ति मिले और पब्लिक साथ हो तो सभासद भी एक छोटे से चिंगारी। मयंक जी, राजनीति में आप उतरे, शिक्षक से राजनीति, चलो बात समझ में आ गई, आपने समझा भी दिया ठीक, लेकिन अभी तक तो कोई दल क्यों नहीं पकड़ा, निर्दलीय क्यों, क्या कोई भी दल समझ के बाहर है या कुछ और? दूसरी बात आपकी ज्यादा सही, कोई भी दल समझ के बाहर है, कोई आपको समझता नहीं, ये दोनों एक ही बातें हैं, या तो मैं उनको नहीं समझता हूं या वो मुझको नहीं समझते हैं, और मैं किसी दल की विचारधारा में अपने आप को सीमित करके रहना नहीं चाह रहा हूं। अगर जनता का प्रतिनिधि हूं तो जनता की सेवा करने के लिए किसी दल का सहारा लेने की मुझे जरूरत नहीं है, और यही वजह है कि आज की तारीख में अच्छी खासी पार्टियों का टिकट का भी ऑफर है जिनको मैंने स्वीकारा नहीं है और ना स्वीकारूंगा। घर पर एक दल है, आप निर्दलीय, ऐसा क्यों नहीं? घर पर भी दल है, बाकी मित्र यारों का भी दल है, सबका दल है, लेकिन दलों में दलदल है, इस वजह से घर का दल भी दलदल है। यस, घर का भी दल दलदल है। मैं दल की विचारधारा को नदी को समझाइए, नहीं पिताजी को मैं क्यों समझाऊं, पिताजी मुझे समझाएंगे, वो बड़े हैं मुझसे, दल है ना, दल है, दल है। पिताजी को जाने दीजिए, उनकी विचारधारा मैं कैसे करूं, मैं कैसे इस चीज को करूं? आपकी नजर में, मेरी नजर में किसी भी पार्टी की विचारधारा से मैं सहमत नहीं हूं, मैं जनता की सेवा करने निकला हूं, उसमें किसी पार्टी की नीति को शामिल करने की जरूरत नहीं है। सभासद का चुनाव लड़ना हो, सभासद के एक अधिकार क्षेत्र सीमित होते हैं, ठीक, हर चीज की व्यवस्था है, अगर जनता की सेवा करना हो तो क्यों, क्या जरूरी है कि किसी दल का सहारा लूं? आज की तारीख में सिर्फ जनता ठगी जा रही है दल के द्वारा,
कभी समाजवादी पार्टी का शासन है, जब समाजवादी ठग लेती है तो बीजेपी को दे देती है, बीजेपी ठग लेती है तो बीएसपी को दे देती है, बीएसपी होती है तो कांग्रेस पास आ जाने वाले भी तो हम ही आप हैं। बिल्कुल अब हम ही आप हैं, लेकिन मैं डिफरेंट विचारधारा से उतरा हूं, इसलिए मुझे किसी भी दल का सहारा नहीं चाहिए। मैं अपने विचारों, अपने कार्यों और अपनी भावना के साथ चुनाव लड़ने आया हूं। डिफरेंट विचारधारा, डिफरेंट यानी कि अलग विचारधारा। कैसे माने आपकी अलग विचारधारा? आप भी होर्डिंग, आप भी पोस्टर, आप भी उसी तरह चार महीने के बीच में आए और चुनाव चुनाव में उतर कर सक्रियता से लग गए लोगों से मिलना, अलग क्या है आपने? नहीं तो जनता तक कैसे पहुंचा जाए? और जिस परिपाटी का सहारा लेना है लेना तो उसी को पड़ेगा, हमको जनता की बात है। जनता के पास पहुंचने के लिए महात्मा गांधी ने कभी कोई होर्डिंग नहीं लगाई थी। जेपी जब आंदोलन छेड़ा था आपातकाल में, वो जेल गए थे, उससे पहले जब आंदोलन में इतने लोग पटना वाले आपको याद होगा, वहां कोई होर्डिंग बैनर नहीं लगाए थे। लेकिन आपकी जानकारी, आपकी विचारधारा चौधरी चरण सिंह को मानती है, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा, आपने राजेंद्र प्रसाद को मानती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मानती है। अच्छी बात है, अब ये सब नाम आ रहे हैं धीरे धीरे निकलकर, जब सब मानती है, मानती है, लेकिन उस पर तो चले चले तो यहाँ तो होर्डिंग से इसका कारण सिर्फ इसलिए कि आपको लोग जानते नहीं है, जनवाना है इसलिए होर्डिंग। आपके कार्यों को लोग जानते नहीं है, आपने कोई काम किए नहीं होंगे, लोग जानते नहीं है इसलिए बैनर, इसलिए फेसबुक, इसलिए व्हाट्सएप। आप पहले ये सब नहीं था, आप धरातल पर, मैं बात कर रहा हूँ सच्चाई की, सब 200 रुपए की होर्डिंग से कोई समाज सेवी नहीं बनता, कोई नेता भी नहीं बनता, कोई चुनाव भी नहीं जीतता। प्रमुख बात है कि प्रचार का एक साधन, कितनी लेकिन चाहिए क्या हम लोगों को? हम लोगों को चाहिए हमारा नेता। नेता का मतलब कार्य करने वाला, जो नेतृत्व की विराट क्षमता रखता हो। आप रखते हैं क्या? आप चार महीने में सिर्फ ऐसे ही चुनाव, अलग क्या है? आपका तो सबको बराबर ही, जैसे वो वैसे आप। नहीं, पहले तो आपने जिन दो लोगों का एक नाम लिया, महात्मा गांधी और जेपी जी का, शायद मेरी जानकारी या तो गलत होगी, शायद महात्मा गांधी ने अपनी जिंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ा था और शायद जेपी जी ने भी चुनाव नहीं लड़ा था। बड़ी बात है आंदोलन, लेकिन ये बड़ी बात है, अटल जी ने लड़ा है ना। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसलिए चुनाव के लिए लोगों को पहचानवाने के लिए कुछ से किसी ना किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। और महात्मा गांधी जी से आज के किसी में, मैं अपना नहीं, मैं किसी भी नेता की तुलना करके, आप महात्मा गांधी जी के कद को छोटा कर रहे हैं। कृपया करके इस चर्चा में महात्मा गांधी जैसे आदरणीय पुरुष का नाम ना लाएं, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। मैं इस पर नहीं बोलूंगा तो हो जाएगा, आप इस पर प्रश्न अब उत्तर सुनिए। आप हम चाहते हैं अलग, आप कह रहे हैं कि मैं अलग करना चाहता हूँ, अलग करेंगे कैसे? अभी आप चौधरी चरण सिंह का नाम लेकर आप बता चुके हैं कि वो हमारे आपके आए, आप मानते हैं कि इस तरह से राजनीति होनी चाहिए। सिर्फ एक नाम नहीं, आपने अटल जी का भी नाम लिया, आपने राजेंद्र प्रसाद का भी नाम लिया जो राष्ट्रपति थे, बात तो ठीक है, लेकिन फिर अलग कैसे? उन लोग जो अलग थे वो आज देश में बड़े स्तर पर नाम कमाया, उनके मार्गदर्शन पर ही आज का युवा चल रहा है। अगर मैं यहाँ नाम ले रहा हूँ तो मार्गदर्शन के लिए, ना कि आपको उनसे तुलना कर रहा हूँ, हो भी नहीं सकते। वो कहाँ आ रहा, आप कहाँ? आपकी जो शुरुआत की राजनीति देखिए तो वहां पर कहीं तुलना ही नहीं है। मैं मार्गदर्शन की बात कर रहा हूँ और आप तुलना की बात कर रहे थे। हम्बल रिक्वेस्ट किया वो अच्छी बात है, लेकिन वो हम्बल रिक्वेस्ट का मतलब कुछ नहीं निकलता कि मैं कह कुछ रहा हूँ, आप रिक्वेस्ट कहीं और कर डाले। नहीं, 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 मैं कहीं नहीं कर रहा, मैंने आपने महात्मा गांधी को राजनीति से जोड़ा है इसलिए मैंने मना किया। महात्मा गांधी नेता नहीं थे, समाज सेवी थे बहुत बड़े, और आप कह रहे हैं मैं समाज सेवी के लिए उतरा हूँ, तो समाज सेवी कहाँ दिख रही है? यहाँ से सिर्फ राजनीति, यहाँ से ढकोसला। मैंने स्टार्टिंग इंटरव्यू में यही कहा था कि मैं इसी परिभाषा को बदलने निकला हूं कि राजनीति शब्द जो गंदा कर दिया। अलग कैसे? अलग कैसे? चार महीने में राजनीति का अधिकार देगी मुझे तो जनता तय करेगी कि किस तरीके से। अभी मैं कैसे कह सकता हूं? और रही बात समाज से, अच्छा दूसरा आपने कहा कि 200 रुपए का फ्लक्स टांग देने से, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी चुनाव लड़े थे, जब पहला चुनाव लड़े थे, ठीक है, जेपी जी ने आंदोलन किया था, तब ना फेसबुक थी, ना फ्लक्स था, ना जनता का पहुंचने का मात्र एक साधन था जिसको बोलते हैं रेडियो। और आज की तारीख में रेडियो का यूज किस तरह होता है, मतलब कि समय के अनुसार हमको भी अपने आप को परिवर्तित करना पड़ेगा। जनता तक पहुंचने के माध्यम फेसबुक, फ्लैक्स, होर्डिंग, बैनर, व्हाट्सएप, जो भी चीज है, सिर्फ एक ये माध्यम जनता तक पहुंचने का। ये कहना जनता तक पहुंचने का एक माध्यम और है, जन आंदोलन, संघर्ष, लगातार घर्षण, लगातार उनकी बातों को लगातार अधिकारियों तक पहुंचाना जो उनकी बात नहीं सुन रहे, ये काम नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल यही है जो आपने बताया, ये काम है, बिल्कुल ये काम है। लेकिन एक सभासद का चुनाव, देखिए आप भी इस बात को मानते होंगे कि सभासद का जो इलेक्शन है, सभासद के अधिकार क्षेत्र सीमित होते हैं। अगर किसी गली मोहल्ले में कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है तो उसमें हम मोहल्ले वालों को लेकर आंदोलन करने नहीं जाएंगे। मैं जेई साहब से मिलकर वहां पर लाइट की व्यवस्था कराऊंगा। अगर मुझे अपना पंप एंड शो करना हो कि नहीं बहुत बड़ा नेता हूं और जनता का आंदोलन अलग अलग तरीके के होते हैं, बात सुनी जाएगी तो क्यों ऐसा होगा, क्यों ऐसा किया जाएगा। और रही बात समाज सेवा की, जो आपने कही इस बात को बखान करने की जरूरत नहीं। मैंने स्टार्टिंग में आपसे ये चीज कही थी कि अब जरूर है कि चार महीने से मुझे फेसबुक पे अपलोड करना पड़ता है कि मैंने क्या कार्य किया, ठीक,
लेकिन उसके पहले भी ऐसे तमाम कार्य किए गए हैं जो जनता को पता है, जिनका बखान करना मैं उचित नहीं समझता था कि आपने। चलिए बता दीजिए, हम बखान करा ही लेते हैं। जरा बता दीजिए, धरातल पर कितने मजबूत हैं आप, कितने काम आपने किए जनता के लिए, जनहित में कितने संघर्ष आपके रहे। नहीं, ऐसे किस तरीके साहब, जैसे एक ताजा एग्जांपल आपको मैं बता दूं, पिछले 17 सितंबर को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, ठीक, और मैंने देखा कि भाई उस दिन बीजेपी का स्वच्छता अभियान चल रहा है बड़ी तेजी से, ठीक है, और यहीं पर एक कुठारी बंधु चौराहा है और ये MIS चौराहा जहां पर हमारा कोचिंग सेंटर है, शायद यहां पर कहीं भी गंदगी का नामो निशान नहीं है, लेकिन झाड़ू लगाई गई, फेसबुक पे फोटो अपलोड हुई, और यही वार्ड में एक धनियामारी पुल एक स्थान पड़ता है, वो पुल विगत 2 सालों से उसकी स्थिति ये थी कि वहां से लोगों का निकलना दूभर था, उसको मैंने ठीक कराया। आज की तारीख में आप जाके देख लीजिए, मैंने अपने निजी खर्च पे कराया, मैं भी चाहता तो मैं वहां के लोगों को लेके मैं जहां सफाई विभाग है वहां पर जाके धरना प्रदर्शन करता, आंदोलन करता, मेरी जितनी क्षमता थी मैंने अपने निजी खर्चे पे मैंने उस पुल की व्यवस्था को ठीक कराया। ये ठीक बात है, अच्छी बात है, हो गया तो अच्छी बात। अब उसका आंदोलन किया जाए, आंदोलन करने के पीछे ये रुख अपनाना, इसके अलग अलग तरीके हैं। आंदोलन करने के पीछे दो रास्ते होते हैं कि मैं एक तरीके से लाइमलाइट में आ जाऊं कि कल को भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी ये करे कि नहीं, एक आंदोलन कर रहा है नेता ही हमारे दल में आ जाए, ठीक। मेरा उद्देश्य आंदोलन करना नहीं है, मुझे जनता से पद पाना, जनता का काम कराना है। मेरे मुंह में अपने शब्दों को ठूसी मत प्लीज, ठीक है, मुझे जनता का काम कराना है और जनता के काम कराने के लिए जिस पद का उपयोग करना है वो करना पड़ेगा, और शायद आज जिस तरीके से जेई साहब मेरी बात सुनते हैं कल को शायद उससे ज्यादा तरीके सुनेंगे, या कभी 10 बातों में से 2 बातें सुनते हैं और 8 नहीं सुनते हैं, शायद इस लायक अगर होंगे तो शायद 10 में से 8 सुनेंगे और 2 नहीं सुनेंगे। बड़े आक्रामक रूप में आप भी हैं, हम भी। अगला प्रश्न मेरा हो जाए आपसे कि आखिर अगर आप पार्षद बनते हैं तो क्या है आपका परिवर्तन करने का ड्रीम प्रोजेक्ट कि मुझे ये करना है अपने वार्ड में, वो क्या? देखिए, हमारा स्लोगन जो होर्डिंग पे लिखा हुआ है उसमें पहला स्लोगन लिखा हुआ है कि शिक्षा क्षेत्र के साथ सामाजिक सेवा भावना के साथ, और उसके अगली लाइन ये है कि हमारा संकल्प शिक्षा, स्वच्छता एवं सुरक्षा। मैं समझता हूं कि इन 3 चीजों की सख्त कमी है, खाली हमारे अपने वार्ड में, पूरे भारत में। अच्छी शिक्षा और सस्ती शिक्षा, मतलब कि आज शिक्षा गरीब व्यक्ति से बहुत दूर होती चली जा रही है। दूसरा स्वच्छता, मैंने कहा स्वच्छता में कई चीजें हो सकती हैं, उसको हम साफ पानी से भी कह सकते हैं, या अगर हम उसको शिक्षा से रिलेट करें तो तमाम ऐसे विद्यालय है, मैं किसी विद्यालय का नाम अभी मजबूर हूं कि मैं नहीं ले सकता हूं कि शायद वो विद्यालय मेरे विरोध में आ जाएगा, कि उसी स्कूल के बगल, मेरे राजाजीपुरम की बात बता रहा हूं कि सरकारी विद्यालय, मैं प्राइवेट भी नहीं कहूंगा उसको, सरकारी विद्यालय के बगल में कूड़ा घर बना हुआ है और वहां पर मासूम बच्चे पढ़ते हैं, तो स्वच्छता को आप इससे भी कह सकते हैं। और सुरक्षा, सुरक्षा का कई बार ये हुआ कि जो है CCTV कैमरे लगा दिए जाए, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सभासद निधि की बात करें तो बहुत ज्यादा कैमरे तो नहीं, लेकिन सभासद निधि जो पिछले बार तक 85 लाख पर ईयर थे, मोटा मोटा उसको 5 करोड़ मान लें, मैंने भी अपने संस्थानों पे CCTV कैमरे लगवाए हैं, मुझे पता है कि कितना एक्सपेंस आता है। क्या मेन चौराहों पे CCTV की व्यवस्था नहीं कराई जा सकती है? तो मेन 3 प्रोजेक्ट लेके चला हूं कि शिक्षा, स्वच्छता और सुरक्षा, कहीं अंधेरा ना हो, ये 3 ड्रीम प्रोजेक्ट हैं। और चूंकि शिक्षा को, तो शिक्षा प्रधान है, और सबसे प्राइमरी जो मेरी प्राथमिकता रहेगी वो अच्छी शिक्षा और बेहतर शिक्षा। मालिक, क्या लगता है पूर्व पार्षद, हालांकि निवर्तमान आपके वार्ड में बड़ा इधर उधर हो गया है, अब क्या उन्होंने ठीक से काम कराए थे जिस प्रकार से होने चाहिए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं कराए थे। मैंने दौरा किया है, मैंने सभासद की कॉलोनी में जाकर दौरा किया है, और वहां पर उनके घर के पड़ोस की व्यवस्था नहीं सही, मैं पूरे वार्ड की बात क्या करूंगा, ना लाइट की व्यवस्था है, कूड़ा घर भी बना हुआ है, मैं कैसे मान लू इस चीज को। ये तो हो गया, आपके सामने लड़ाई में कौन हो सकता है, क्या लगता है, भाजपा, सपा, बसपा या कोई और? लड़ाई में कोई नहीं है, कोई विरोधी नहीं है, मैंने कहा मैं जनता भी नहीं, लड़ाई की, लड़ाई का मतलब ये नहीं कि वो आप तलवार वार निकाले, मैं साधारण बात कर रहा हूँ कि संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ना है, अपने दायरे में रहकर शब्दों का प्रयोग, अपने दायरे में रहकर प्रचार, अपने दायरे में रहकर प्रसार, सब कुछ अपने ही दायरे में रहकर, क्या लगता है इन सब चीजों को देखते हुए कौन आपके सामने कट्टर और टक्कर में रहेगा? अब इस बात का डिसीजन कैसे उत्तर दूं, पहली बात तो ये है कि अभी प्रत्याशी ही नहीं तय है। अगर कोई मुझसे पूछता है कि सभासद का चुनाव कौन लड़ा, मैं कहता हूं अकेला मैं लड़ रहा हूं। उसकी वजह यह है कि जितने भी होर्डिंग बैनर पोस्टर लगे हैं वो सब टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं, कोई व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि मैं फलानी पार्टी से टिकट लड़ रहा हूं। तो शायद अभी प्रेजेंटली कहूं तो सिंगल मैं कैंडिडेट हूं, जब खुल के सामने आ गया, इसलिए सिंगल मैं कैंडिडेट हूं। इस बात का उत्तर मैं आपको तब दूंगा जब बाकी पार्टियों के टिकट फाइनलाइज हो जाएंगे कि वो कैंडिडेट कौन। जीत का विश्वास कितना? जीत के विश्वास साथ ही उतरा हूं, साफ भावना से उतरा हूं, ऊपर वाले का सहारा है, नियत साफ है, ये मेरा दिल जानता है, बाकी भगवान की मर्जी, अपना पूरा प्रयास कर रहा हूं, बाकी ईश्वर की मर्जी। आपने सारी बातें सुनी और सारा कुछ देख लिया, काफी बातें तीखी हुई और काफी बातें स्ट्रेट हुई, यानी सीधे,
लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी होगी कि वोट इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। कुछ बातों पे कुछ रह गया होगा तो आगे भी निकालते रहेंगे सीधी बात के ऐसे ही कार्यक्रमों में। आज के लिए इतना ही, कैमरामैन सचिन तिवारी के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।